हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीसी में पेन ईएमआई को कैसे चलाते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, आधार वीडियो और जैसे मोबाइल रिचार्ज, ये सब कैसे करेंगे आप पीसी से, और पीसी में चलाने के फ़ायदे क्या होते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर पेन ईएमआई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप भी पेन ईएमआई चलाते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेन ईएमआई को पीसी में चलाने के लिए आपको पहले जो कि आपके पास जो भी डिवाइस है उसको कनेक्ट करना होगा, उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता है कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो जो है ला देंगे। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि पीसी में जो की है पेन ईएमआई को कैसे चलाते हैं। तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, वहाँ पे आपको पेन ईएमआई सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहला ही लिंक जो है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है पेन ईएमआई का होम पेज जो है पीसी का वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है पेन ईएमआई का साइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा है बीसी एजेंट लॉगिन, तो आपको यहाँ पे करना है। अगर आप रिटेलर हैं तो जैसे आप बीसी एजेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि आप मोबाइल एप्लीकेशन में आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं, सेम वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है रिटेलर लॉगिन, और यहाँ पे आपको जो भी आईडी है मोबाइल नंबर डाल देना है, और नीचे आपको पासवर्ड डाल देना है जो भी आपका पासवर्ड है। और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड जो है डाल देते हैं। तो ये हमारा जो पासवर्ड है वो हमने डाल दिया। अब इसको जो है लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये जो है आपका आईडी जो है वो लॉगिन हो जाएगा। हमारा पासवर्ड गलत हो चुका है, तो चलिए हम फिर से एक बार डालकर पासवर्ड को लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पीसी में चलाने के लिए आपको थोड़ा आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो फास्ट होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो जो कि मेरा इंटरनेट है वो मैं मोबाइल से चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जो है इसमें मेरे को दिक्कत आ रहा है, लेकिन आप जब भी चलाइएगा थोड़ा हाई स्पीड के साथ ही चलाइएगा। तो चलिए हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है की है पेन ईएमआई का आईडी जो है आपका लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का जो है पीसी पे इंटरफेस देखने को मिलता है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको बैलेंस इंक्वायरी, आधार वीडियो करना है, आपका एपीएस का बैलेंस कहाँ पे शो होगा, बाकी सब कुछ इसमें मैं आपको इसके बारे में, सर्विस के बारे में सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी से वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपको होम प्रोफाइल, लीडर बोर्ड, बैंकिंग एंड फाइनेंस, डाउनलोड, एमआईएस रिपोर्ट, एपीएस कनेक्ट, कंप्लेंट, ये सब का ऑप्शन जो है दिया गया है। यहाँ पे आपको बैलेंस है जो कि आपका वॉलेट का जो बैलेंस होता है आपको यहाँ पे जो कि है शो हो जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होने के बाद देखिए हमारे वॉलेट बैलेंस में जो कि अब 54 रुपीज़ है, तो वो हमको यहाँ पे शो हो रहा है। अब नीचे हम आएंगे तो दोस्तों, इसमें चलाने के जो फ़ायदे होते हैं कि जो चीज़ आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं दिखता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप ट्रेन का टिकट का एजेंसी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको पीसी से ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म होते हैं जो कि डाउनलोड करना होता है, फिल करना होता है, उसके बाद जो कि है आपको डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है। तो वो सब फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो है दे सकते हैं। तो ये सब ऊपर का हेडिंग का बात हो गया। अब दोस्तों आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि साइड में भी हमको कुछ दिखा गया है। यहाँ पे हमको मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, नीचे एपीएस का ऑप्शन है। तो आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। क्लेम रिफंड भी है, इंश्योरेंस है, फ्लाइट भी है, और ट्रेन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, बिल पेमेंट यहाँ पे है, रिचार्ज भी दिया गया है, बस, होटल, ये सब सर्विस जो है आपको साइड में जो कि है दिया गया है। इंश्योरेंस पीओएस एजेंट का है, ईकेवाईसी का है। तो ये सब जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे साइड में दिया गया है। जब भी आप बैलेंस इंक्वायरी या
आधार वीडियो करेंगे तो आपको साइड वाले पे क्लिक करना होगा, क्योंकि यहीं पे जो कि है एपीएस का सिस्टम जो है दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फिंगर का जो है लोगो है, उसी पे आपको जैसे क्लिक करेंगे तो एपीएस का जो साइट है वो यहाँ पे जो है एपीएस ट्रांजेक्शन आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। तो जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपने डिवाइस को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई पीसी में जो कि है अपना डिवाइस कनेक्ट करना नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा कैसे आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करना है और कैसे जो कि है आपका डिवाइस जो है काम करेगा। तो मेरे पास जो कि है मंत्रा डिवाइस है, तो जैसे मैं मंत्रा पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे हमें बैलेंस इंक्वायरी और आधार वीडियो का जो है ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अभी हमने कोई भी जो डिवाइस है वो सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ पे साइड में कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे आप इस पे डिवाइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन आ गया है बैलेंस इंक्वायरी और आधार वीडियो का। जैसे आप चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने को बोलेगा, मोबाइल नंबर के बाद आधार नंबर और नाम और बैंक, और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो कि है आपको सिलेक्ट हैंड का भी ऑप्शन आ जाता है कि राइट हैंड का जो कि है फिंगर आप देना चाहते हैं या लेफ्ट हैंड का। तो चलिए मैं आपको एक बैलेंस इंक्वायरी करके बताता हूँ कि कैसे आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है। पहले आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद कस्टमर का नाम और उसके बाद बैंक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऊपर आपको सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप आसानी से जो कि सर्च करके बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राइट या लेफ्ट हैंड को सिलेक्ट करने का आता है, उसके बाद फिंगर को भी जो कि है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है, जो कि इसमें बहुत ही ये सिस्टम जो है ये थोड़ा ख़राब है, क्योंकि फिंगर को भी स्कैन करना पड़ता है कि किस फिंगर को जो कि है आप डिवाइस पे रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चर सक्सेस जो हमारा हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे जो कि है आपका बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। लेकिन मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं डेली एक ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ अपने बैंक से, इसलिए जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाता है यूको बैंक का। तो ऐसे जो है दोस्तों आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, और आधार वीडियो के लिए भी सेम वही प्रोसेस है। नीचे आपको अपने डिवाइस पे सेलेक्ट करना है, डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद आधार वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन और आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट डालने का। तो जो कि आप अमाउंट डालकर जो अपना बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम मोबाइल रिचार्ज की बात करें तो यहाँ पे आपने साइड में देखा ही होगा कि हमें रिचार्ज का जो कि ऑप्शन आ रहा था, तो जैसे आप उस रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जो कि मोबाइल रिचार्ज करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट भी कर सकते हैं सर्च करके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें दोस्तों इसके लिए सिस्टम पे काम करने के लिए आपको ये ज़रूर फायदेमंद रहेगा कि यहाँ पे जो कि है बैलेंस इंक्वायरी या आधार वीडियो जो है वो थोड़ा फास्ट होता है। जैसे कि आप अगर मोबाइल से करते हैं और एक काम आप पीसी से करते हैं, तो इन दोनों में दोस्तों जो कि है थोड़ा सा फ़र्क आपको ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि जो कि है अगर आप मोबाइल से करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा आपको लेट हो सकता है, लेकिन पीसी से जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे जो कि है आपको थोड़ा फास्ट देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब सिस्टम हो गया कि आपको कैसे जो कि है बैलेंस इंक्वायरी करना है, आधार वीडियो करना है, ये सब सिस्टम आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं मोबाइल रिचार्ज पे, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको रिचार्ज का ऑप्शन आ जाएगा। रिचार्ज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने जैसे कि बताया कि आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन जो है थोड़ा फास्ट होना चाहिए ताकि यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मेरा जो कि है मैंने आपको बताया ही है कि थोड़ा स्लो है, इसलिए मेरे को जो है थोड़ा लेट जो है सिस्टम ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट पेड है, प्रीपेड है, डाटा कार्ड का भी रिचार्ज है और डिश टीवी का भी रिचार्ज है। तो जैसे आप पोस्ट पेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, यहाँ से आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना होगा, सर्कल भी सेलेक्ट करना होगा कि किस एरिया का है, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, और अमाउंट डालकर जो है प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है
रिचार्ज जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको इसमें सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दिया है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना नहीं आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको उस पर भी वीडियो जरूर किया लगा।